हेलो एवरीवन, आज हम मैथ मैजिक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ चैप्टर फोर पार्ट्स एंड होल्स। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में गेज एंड चेक ये टॉपिक लर्न किया था। कलर्ड पार्ट्स कंप्लीट दिस। देखो बच्चों, यहाँ पे ब्लैंक्स दी है, उससे कंप्लीट करना है। नंबर वन, दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे जो सर्कल दिया है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये वन पार्ट और ये सेकेंड पार्ट। आउट ऑफ ब्लैंक्स इक्वल पार्ट्स वन पार्ट इज कलर्ड ब्लू। दो इक्वल पार्ट्स है, उसमें से एक पार्ट कैसा है, ब्लू कलर का है ना। तो आंसर में क्या आएगा, आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट्स, यहाँ पे दो इक्वल पार्ट्स दिए। देखो, एक पार्ट है वो ब्लू कलर का है, एक पार्ट है वो पिंक कलर का है। नेक्स्ट नंबर टू, हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू ब्लैंक्स इक्वल पार्ट्स। देखो, यहाँ पे सर्कल दिया है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, वन टू थ्री फोर। कितने पार्ट्स में, फोर पार्ट्स, इसलिए ब्लैंक्स में लिखेंगे फोर। आउट ऑफ ब्लैंक्स इक्वल पार्ट्स ब्लैंक्स पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। टोटल कितने इक्वल पार्ट्स है बच्चों, फोर, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे आउट ऑफ फोर इक्वल पार्ट्स ब्लू। कितने पार्ट्स में है ब्लू कलर, वन और टू। कितने पार्ट्स में है, टू, तो यहाँ पे लिखेंगे टू, टू पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। नेक्स्ट नंबर थ्री, हियर द सर्कल इज, बच्चों ये ब्लैंक्स है वो जैसे नंबर वन और नंबर टू में दिया था वैसे ही कंप्लीट करनी है। देखो, सर्कल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, गिनते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। क्या आएगा, हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सिक्स इक्वल पार्ट्स। अब इसमें से आप कोई भी कलर के बारे में लिख सकते हो, या तो फिर ब्लू या तो फिर पिंक। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, आउट ऑफ सिक्स इक्वल पार्ट्स थ्री पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। यहाँ पे मैंने एज एन एग्जाम्पल ब्लू कलर दिया है, आप लोग पिंक कलर भी लिख सकते हो। आउट ऑफ ये सिक्स इक्वल पार्ट्स है तो इसे लिख सकते हो, आउट ऑफ सिक्स इक्वल पार्ट्स थ्री पार्ट्स आर कलर्ड पिंक, या तो फिर थ्री पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। नेक्स्ट नंबर फोर, हियर द सर्कल इज, बाद में ब्लैंक्स दी है वो कंप्लीट करनी है। तो देखो, यहाँ पे सर्कल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, गिनते हैं यहाँ से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो क्या आएगा, हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू एट इक्वल पार्ट्स। आउट ऑफ एट इक्वल पार्ट्स फोर आर ब्लू एंड फोर आर पिंक। देखो, एट इक्वल पार्ट्स है, उसमें से फोर है वो ब्लू है, फोर है वो पिंक है। या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, आउट ऑफ एट इक्वल पार्ट्स फोर पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू, या तो फिर आउट ऑफ एट इक्वल पार्ट्स फोर पार्ट्स आर कलर्ड पिंक। यानी कि इंडिविजुअल भी लिख सकते हो, दोनों का साथ में भी लिख सकते हो। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी है उसे कंप्लीट करनी है। सो वी कैन से दैट वन अपॉन टू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो खाली जगह दी है, टू अपॉन खाली जगह दी है, इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में डिजिट लिखना है, डिनोमिनेटर में सिक्स दिया है, इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में डिजिट लिखना है, डिनोमिनेटर में एट दिया है। तो देखो, वन अपॉन टू, उसके बाद टू अपॉन फोर, ये वाला देखो, टोटल फोर है, उसमें से टू है वो ब्लू है। वैसे यहाँ पे देखो, ये वाला है वो सिक्स है, उसमें से थ्री पार्ट्स है वो ब्लू है। वैसे ही है, टोटल एट है, उसमें से फोर है वो पिंक है, या तो फोर है वो ब्लू है। तो क्या होगा, वन अपॉन टू इज इक्वल्स टू टू अपॉन फोर इज इक्वल्स टू थ्री अपॉन सिक्स इज इक्वल्स टू फोर अपॉन एट। बच्चों, ये कैसे आएगा, देखो वन अपॉन टू है, यहाँ पे टू अपॉन फोर दिया है, तो आप ऐसे कर सकते हो, टू वन जा टू, टू टू जा फोर। तो क्या हो गया, ये वन अपॉन टू ही हो गया। वैसे ही थ्री अपॉन सिक्स में भी आप कर सकते हो ऐसा, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स। तो क्या होगा, वन अपॉन
टू, फोर अपॉन एट में देखो उसमें भी ऐसा हो सकता है, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, यानी कि वन अपॉन टू होता है ना, सभी में देखो वन अपॉन टू ही आंसर आता है, यानी कि वन अपॉन टू इज इक्वल्स टू टू अपॉन फोर इज इक्वल्स टू थ्री अपॉन सिक्स इज इक्वल्स टू फोर अपॉन एट। बच्चों ऐसे ही आगे बढ़ाना है तो क्या आएगा, इज इक्वल्स टू फाइव अपॉन टेन आएगा ना, फाइव वन जा फाइव और फाइव टू जा टेन इज इक्वल्स टू क्या आएगा, वन अपॉन टू। थैंक यू।